मैं मनीष कुमार आप लोगों के सामने आया हूँ पानीपत गांधी कॉलोनी जो कि पानीपत के रेलवे रोड के नज़दीक है। तो अभी यहाँ पर हमें सूचना मिली थी यहाँ पर एक इस कॉलोनी का कोई आदमी है और वो सिविल अस्पताल में अपना कोरोना का सैंपल देने के लिए गया था क्योंकि इस टाइम पे कोरोना महामारी चरम सीमा पर है। हर आदमी को थोड़ा सा भी बुखार आ जाता है या वैसे भी नॉर्मली वो सोचता है एक बार अपना कोविड टेस्ट करवा ले अपनी सेफ्टी के लिए। तो जैसे ही वो आदमी गया है तो वहाँ पर उसके साथ यहाँ के लोगों का आरोप है कि उसके जो सैंपल लिया जाता है नाक से वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो नाक से अंदर ज़्यादा चला गया था और जिसकी वजह से आँख पर चोट आई थी। और उसके बाद क्या कुछ हुआ है तो अभी हम पूछ रहे थे सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ मामला है ये? थोड़ा मामला सर लगभग आठ दिन पहले। कितने दिन पहले? आठ सात आठ दिन पहले का है। क्या नाम है ये, जिसके साथ ये जय भगवान है जी। इसके तीन चार बच्चे हैं छोटे छोटे, तीन लड़कियां एक लड़का। ये लगभग आठ दस दिन पहले सिविल अस्पताल में टेस्ट कराने गया था। क्या कुछ बुखार वगैरह आ रहा है? नहीं कुछ नहीं था, नॉर्मली बस वैसे ही अपनी सेफ्टी के लिए गया था। तो इसने जैसे डॉक्टर ने सीख मारी ना, वो सीख इसके दिमाग में लगी, कहाँ लगी, इसको इन्फेक्शन हो गई। अच्छा। तो ये सब जगह गया बेचारा, दवाई भी ली, रविंद्र अस्पताल में भी गया, हमारे विधायक जी ने विजय जी ने भी 20-22 हज़ार रुपये का टेस्ट करवाया, मगर ये जहाँ भी रिपोर्ट दी कोरोना की रिपोर्ट इसकी बिल्कुल ठीक है, इसे कोरोना हो नेगेटिव रिपोर्ट है, इसे कोरोना था ही नहीं। तो ये सिर्फ वो मैंने भी देखी है, ये सिर्फ डॉक्टर की गलती से वजह से मरा, उन्होंने जो सीख इसके दिमाग में लगी कहाँ लगी ये तो पोस्टमार्टम बताएगा या डॉक्टर ही बताएंगे। ये जो अभी आपने बोला विधायक जी का भी नाम लिया। हाँ हाँ। विधायक जी को पता है इस चीज़ का? इस बारे में पता है, विधायक जी ने हमारी पूरी मदद करी है, ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जी ने टेस्ट भी हमारा करवाया। कहाँ? विधायक जी ने कौन से हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया? प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया था, दीवान हॉस्पिटल जो मॉडल टाउन में। अच्छा, वहाँ पे टेस्ट कराया? हाँ, वहाँ पे टेस्ट कराया, उसकी कोरोना की रिपोर्ट इसकी ठीक थी, नेगेटिव रिपोर्ट थी, बस उसके उसमें दिमाग में जो नड़ी नुड़ी मारी है उसकी वजह इन्फेक्शन की वजह आज हुई है। आज इन्होंने फिर सिविल यहाँ रविंद्रा के अस्पताल में दाखिल किया, इसको कोई आराम नहीं आया, इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, सोनीपत गए, सोनीपत नहीं लिया, आज रोहतक में डेथ हो गई इनकी। रोहतक हॉस्पिटल में जाने के बाद हुई है? रोहतक जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद। हाँ, हमारे पास सारी रिपोर्टें हैं, हर चीज़ है। हम तो कहते हैं जो डॉक्टर ने इसका टेस्ट करा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त, इनके बच्चों का कोई संविधान करे सरकार या पुलिस कार्रवाई करे, इनको अंदर करे डॉक्टर को। रोहतास के शब्द ऐसा कोरोना टेस्ट होता है कि उसकी जान ले लेंगे ये हैं? ऐसे गंदे सरकार, गंदी ये डॉक्टर, गंदे चोर है, और कुछ कर सकते हैं? ये चोरी का सवाल कुछ कर सकते हैं? उसकी जान ले ली है, उसका बच्चा कौन पालेगा? अरे उसको डॉक्टर को अंदर करना चाहिए। जिसने ऐसे मारो जैसे वो मरा पड़ा बेचारा, उसके कहने कहने बच्चे मार दिए, उसके निके निके लबारिस बच्चे, 2 साल का उसका बच्चा है, कौन पालेगा उसको? इतनी कदवी किसी से 5 हज़ार की, किसी से 10 हज़ार की, ऐसे मदद ले लेकर हमने उसका इलाज करवाया, क्या करे, भिखारी भी हो गए और फिर भी नहीं बच पाया हमारा बंदा। नाक बंद करके टेस्ट करा दो, आगे 40 साल उम्र थी जी, अब वो नाम है ये छोटा लड़का है बेचारा, गोदी में छोटा लड़का भी लेके आओ, उसका बच्चे कौन पालेगा? ये ऐसा आराम का पिल्ला टच करते हैं, ये सरकार भी चोर है और डॉक्टर मां चोर है, ये हराम हो, हराम हो। पेट बैठा देते हैं, टेस्ट कर रहे हैं अपने आप का।
भाई उसको डॉक्टर को पकड़ के लाओ, नहीं तो पिटेंगे डॉक्टर। इससे अच्छा तो वैसे ही मर जान दो कोरोना में ही। पंजर खाना डाल उसको पकड़ के लाओ तभी इंसाफ होगा। ऐसी सुई काट दी बेचारा ऊपर अभी जो इस कॉलोनी से थे रोहतास जी, अभी हमारी उनसे बात हुई है, क्योंकि बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चलाई जा सकती कि जो यहाँ के लोग हैं, इस कॉलोनी के लोग हैं, इन लोगों ने और परिजनों ने उन्होंने आरोप लगाया है सिविल अस्पताल के ऊपर कि वहाँ पर लापरवाही हुई है, और ये बोल रहे हैं कि उसकी इनके पास रिपोर्ट भी है। तो ये वो रिपोर्ट है जो नेगेटिव रिपोर्ट है जिसके लिए ये कोविड का टेस्ट कराया गया था। मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाएं, और मैं अपने प्रशासन से, जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग से और जो पुलिस प्रशासन है, दोनों से मैं अपील करूँगा। स्वास्थ्य विभाग से ये अपील करूँगा, जो ये लापरवाही बताई जा रही है इस कॉलोनी के लोगों के द्वारा, परिजनों के द्वारा, ऐसी लापरवाही भविष्य में ना हो, क्योंकि एक लापरवाही अगले आदमी का जीवन ख़त्म कर देती है। अब मैं बात करूं इस परिवार के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश कौन करेगा, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आएगा, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं आएगा। तो मैं अपने पुलिस प्रशासन से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी इसमें, जिसने भी इसमें लापरवाही की है, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और या जो परिजन है इनको इंसाफ मिले। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।